नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। चुनाव आयोग ने बीते दिनों जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। बता दें कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला विधानसभा चुनाव है, जिसको देखते हुए सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। बता दें कि चुनाव की तैयारी में बीजेपी भी जुट गई है और जम्मू कश्मीर में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, जिसको लेकर बीजेपी ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हालत खराब होने वाली है, क्योंकि वहां की जनता बीजेपी के ध्रुवीकरण की राजनीति से बहुत परेशान है। बता दें, मोदी के 2019 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से क्राइम बहुत बढ़ गया है और वहां पर आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं। वहां की जनता डर के साए में जी रही है। वहीं लगातार हो रहे आतंकी हमलों पर मोदी सरकार अंकुश लगाने में नाकाम है और वहां की आवाम रोज डर के साए में जीती है, जिसका परिणाम बीजेपी को विधानसभा चुनाव में मिल जाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी हार के बाद भी मोदी और बीजेपी ने कोई सबक नहीं लिया है। वहीं लोकसभा में मिली बड़ी हार के बाद भी मोदी ने अपनी कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं किया है, जिसके परिणाम स्वरूप देश की जनता मोदी से बहुत नाराज है। लगातार 10 सालों से देश की सत्ता में काबिज मोदी ने देश की जनता के लिए कुछ नहीं किया है। मोदी ने पिछले 10 सालों में सिर्फ अपने कॉरपोरेट मित्रों के लाभ के लिए काम किया है और देश की आम जनता को महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के गर्त में धकेल दिया है। मोदी अपने भाषणों में महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं। देश में प्रतिदिन कम से कम 100 रेप की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन मोदी को इन घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है और मोदी अपने सहयोगियों को मनाने में लगे रहते हैं। मोदी मंचों से तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आपकी ही सरकार है, आप पिछले 10 सालों से देश की सत्ता में काबिज हो, फिर आपको किससे परमिशन लेनी है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद पहली बार केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। ये विधानसभा चुनाव करीब एक दशक के बाद होने जा रहे हैं। साल 2019 में केंद्र सरकार ने विशेष दर्जा खत्म कर जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। लद्दाख को भी अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। जम्मू कश्मीर में ये विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे। जम्मू कश्मीर में बीते 2 दशकों में इस बार का चुनाव सबसे कम समय में कराया जा रहा है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के आखिरी चुनाव साल 2014 में हुए थे और साल 2018 में बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन वाली सरकार गिर गई थी। उस समय आपसी मतभेद के चलते बीजेपी ने पीडीपी से अपना समर्थन वापस ले लिया था। वहीं सरकार गिरने के बाद जम्मू कश्मीर करीब 6 सालों तक केंद्र सरकार के शासन में रहा। इस समय जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल का शासन है और मनोज सिन्हा यहां के उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल एक लंबे समय से विधानसभा चुनाव कराने की मांग कर रहे थे। भारत के निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को दिल्ली में एक प्रेस सम्मेलन में चुनाव की घोषणा करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में मतदाताओं की संख्या 87,09,000 है। विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में कई तब्दीलियों के बाद किए जा रहे हैं। साल 2022 में जम्मू कश्मीर में परिसीमन करके 7 नई सीटें जोड़ी गई हैं और जब 83 सीटों की जगह नई विधानसभा में 90 सीटें होंगी। बता दें कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल राज्य का दर्जा वापस देने की मांग कर रहे हैं। 2019 में विशेष दर्जा हटाए जाने के बाद जो है जम्मू कश्मीर में एक लंबे समय तक कर्फ्यू और प्रतिबंध लगाए गए थे और इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया था। सरकार ने हजारों लोगों को हिरासत में लिया था, जिसमें नेता भी शामिल थे। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कई राजनीतिक दलों ने याचिकाएं दायर कर उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने का फैसला बरकरार रखा। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए कदम उठाने को कहा था। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा पर जम्मू कश्मीर के आम लोगों, सियासी दलों और विशेषकों ने अपनी अलग अलग राय जाहिर की है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि वो चुनाव की घोषणा का स्वागत करते हैं। साथ ही उन्होंने सरकार के कई फैसलों की आलोचना भी की और उनका कहना है कि मैं आज बहुत खुश हूं, अल्लाह का करम है। जिस दुविधा में सियासी जमातों को रखा गया था कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे, वो दुविधा आज खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से चुनाव आयोग ने तारीखों के साथ चुनाव की घोषणा की। हम चुनाव आयोग से ये विनती करेंगे कि सभी सियासी जमातों को अपना रोल निभाने का मौका दिया जाए और ये चुनाव अच्छे से हों।
कहना था कि जिस तरह से सरकार ने रातों रात अधिकारियों के तबादले किए हैं, मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को इसे भी देखना चाहिए कि इसकी वजह क्या थी। चुनाव की घोषणा से पहले ही गुरुवार और शुक्रवार को जम्मू कश्मीर सरकार ने 100 से अधिक अधिकारियों का तबादला किया है। ये पूछने पर कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों से कई विधानसभा पर क्या फर्क पड़ सकता है, तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि इससे क्या फर्क पड़ेगा और ये बात नई विधानसभा बनने के बाद ही पता चल सकती है। उपराज्यपाल को जो अधिकार दिए गए हैं हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ये अधिकार स्टेट के पास होने चाहिए, ना कि उपराज्यपाल के पास। ये दिल्ली नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर है, उनको राज्य का दर्जा भी वापस देना चाहिए। बता दें कि हाल ही के समय में गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार के कार्य संचालन नियम 2024 के तहत ये तय किया है कि जम्मू कश्मीर में ऑल इंडिया सर्विस के जितने भी तबादले होंगे या कोई पोस्टिंग होगी उसके लिए उपराज्यपाल की अनुमति होनी चाहिए। केंद्र सरकार के इस कदम की कश्मीर में राजनीतिक दलों की तरफ से सख्त आलोचना की गई थी। चुनाव से पहले इस बदलाव को जम्मू कश्मीर की पार्टियों ने इस बात का इशारा समझा कि केंद्र सरकार प्रमुख शक्तियों को अपने अधिकार में रखना चाहती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता और पूर्व विधायक मोहम्मद यूसुफ तारीगामी ने बताया कि चुनाव की घोषणा से आम लोगों में एक उम्मीद जो है वो बन गई है। उनका कहना था कि जिस तरह एक लंबे समय से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं कराए जा रहे थे उस समय से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उनका ये भी कहना था कि जिस तरह से सरकार बार बार जम्मू कश्मीर में शांति बहाल होने का दावा कर रही थी लेकिन इसके बावजूद चुनाव नहीं कराए जा रहे थे, तो इन सब बातों को देखकर लगता था कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव शायद कभी नहीं हो पाएंगे। तारीगामी कहते हैं कि अब ये उम्मीद बन गई है कि विधानसभा चुनाव से कुछ दरवाजे खुल जाएंगे और हमारे प्रतिनिधि बात कर सकेंगे। लोग अफसरशाही के शासन से तंग आ चुके हैं, इस वजह से चुनाव आयोग की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। तारीगामी भी संशोधन नियम पर सवाल उठाते हैं कि संशोधन में केंद्र सरकार ने जिस तरह से उपराज्यपाल को अधिकार दिए हैं उससे विधानसभा और कैबिनेट दोनों ही के अधिकार कम हुए हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी बताते हैं कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने हर बात का ख्याल रखते हुए विधानसभा चुनाव की घोषणा की है उसकी हम सराहना करते हैं, और उनका कहना था कि ये चुनाव जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के एक नए चैप्टर का आगाज होगा। उनका ये भी कहना था कि कोई भी इलाका या राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाता है तो वहां उपराज्यपाल को अधिकार मिलते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने विधानसभा चुनाव की घोषणा पर खुशी जाहिर की है। पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा पर खुशी तो जाहिर की है लेकिन उनका ये भी कहना है कि चुनाव करवा के लोगों पर कोई एहसान नहीं किया जा रहा है। पीडीपी की मीडिया सलाहकार इल्तिजा मुफ्ती कहती हैं कि विशेष अधिकार हटाने के बाद लोगों से सभी अधिकार छीन लिए गए हैं और किसी तरह के कोई सियासी जवाब दे ही नहीं है। उनका कहना था कि अब जो चुनाव होने जा रहे हैं उससे कम से कम इतना तो होगा कि लोगों की समस्याओं का समाधान होगा और एक जवाबदेही का माहौल कायम होगा। एक स्थानीय नागरिक तारिक अहमद कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा एक बेहतर कदम है। वो बताते हैं कि जब जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा भी खत्म किया गया है और लोग उम्मीद करते हैं कि इस चुनाव से उनकी मुश्किलें कम होंगी और ये चुनाव साफ सुथरे होंगे। तारिक कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। वहीं विशेषक कहते हैं कि बीते 6 से अधिक वर्षों से जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक संस्थान नहीं कर रहे थे और अब अगर विधानसभा बन जाती है तो उनके पास ज्यादा अधिकार नहीं होंगे। बता दें कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विशेषज्ञ के प्रोफेसर रह चुके प्रोफेसर नूर अहमद बाबा कहते हैं कि इन चुनाव से इतना जरूर होगा कि लोगों के काम होंगे। जम्मू कश्मीर में जिस तरह की विधानसभा बनेगी ये एक नया अनुभव होगा, इस बारे में हम ज्यादा जानते भी नहीं हैं और ना बोल सकते हैं। आगे चलकर जिस तरह के भी हालात उभरेंगे और यहाँ की विधानसभा जब काम करना शुरू करेगी और एक स्थानीय प्रशासन बनेगा उसके बाद ये देखना जाएगा कि उनके पास क्या अधिकार होंगे। जबकि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के ज्यादा अधिकार अब केंद्र सरकार के पास हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव भी बीजेपी के लिए परीक्षा से कम नहीं है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद बीजेपी लगातार जोर देकर कहती रही है कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार उन्हीं की होगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जम्मू में 2 सीटें जीती थी जबकि कश्मीर घाटी से नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीटें और निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद को 1 सीट मिली थी। इस खबर फिलहाल बस इतना ही। इसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे और जुड़े रहे 4 PM के साथ। धन्यवाद।